मैंने भी टोपी पहना था, बट अब टोपी उतारने का समय आ चुका है। जितने भी यूट्यूबर्स को हाई सब्सक्राइबर वाले छोटे छोटे यूट्यूबर्स जितने हैं नए नए जिन्होंने चैनल बनाया है, उनको जिसने टोपी पहनाया था, अब वो टोपी पहनाने का समय चला गया। अब आपको किसी को भी टोपी पहनने की ज़रूरत नहीं है। अब जो भी आएगा वो बिल्कुल फैक्ट बात आएगा। हर चीज़ जो भी क्लियर करूँगा मैं स्टेप बाय स्टेप दिखा के क्लियर करूँगा, प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, अपना खुद का वीडियो दिखाऊंगा, कैसे मैंने 2 दिन में, मात्र 2 दिन में मैंने कैसे अपना वीडियो को वायरल किया है, कैसे मेरे चैनल पे सब्सक्राइब अचानक आना चालू हुआ है, मैंने कौन कौन से ऐसे सेटिंग्स कर लिए जिसकी वजह से मेरा ये वीडियो अचानक रातों रात वायरल हो गया। बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पर देखेंगे तो उस वीडियो में मैंने वो सेटिंग नहीं डाला था जिसकी वजह से मेरा वीडियो वायरल नहीं हो रहा था। कई ऐसे यूट्यूबर्स बैठे हैं जिन्होंने बताया, कई ढेर सारे तरीके बताए कि ऐसे सेटिंग करो, वैसे सेटिंग करो, ये सेटिंग करो, वो सेटिंग करो, 10 तरह का सेटिंग कर करके हर रोज़ हर दिन सेटिंग कर करके परेशान था, बट किसी तरीके से कोई भी रिजल्ट मिल ही नहीं रहा था। तो अल्टीमेटली मुझे एक तरीका मिल गया है, एक सेटिंग मिल चुका है ऐसा, जो कि पहले मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया, अब वो मैं आपके लिए भी ले करके आया हूँ और आपको बताऊँगा कि कैसे कैसे सेटिंग्स करने हैं। तो उससे पहले आपको मैं दिखाता हूँ अपना खुद का ग्राफ मात्र 2 दिन का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, तो मैं आपको जस्ट 2 दिन का अपना ग्राफ दिखाऊंगा। उस ग्राफ को आप खुद से देखना, खुद से आप देखोगे, आपको खुद से समझ में आएगा कि मैंने किस तरीके से अचानक इस तरीके से ऐसे ग्रो किया है मैंने। तो गाइस चलिए हम लोग चलते हैं, सबसे पहले अपने मोबाइल स्क्रीन पे हम लोग चलते हैं। तो ये मैं अपना मोबाइल स्क्रीन ऑन कर रहा हूँ, आ रहा है जैसे स्क्रीन ऑन होता है। चलिए ये स्क्रीन आ चुका है। अब ये देखिए आप, अभी मेरे पास जो सब्सक्राइबर है, अभी जो मेरे पास सब्सक्राइबर है ओनली 59 है सब्सक्राइबर। अगर आपको यकीन ना हो तो कल तक आप देखना कि ये 59 से 65 पे चला ही जाएगा। पर डे मेरे को सब्सक्राइबर जो मिल रहा है, 4 दिन पाँच चार पाँच चार पाँच मिल रहा है, और मेरा यूट्यूब ज्वाइन किए हुए मात्र 1 महीना ही हुआ है। मैंने 1 महीना पहले ही यूट्यूब ज्वाइन किया था और मैंने भी बहुत सारा वीडियोस देख लिया, बट किसी में सक्सेस नहीं हो पाया। बट अब फाइनली मैं सक्सेस हो चुका हूँ। अब मैं वो तरीका आपको ये बताऊँगा, तो कैसे कैसे मेरा जो व्यू आया है, कैसे कैसे मेरा ग्रो बढ़ा है, वो आपको मैं दिखाता हूँ पहले। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा क्या क्या आपको सेटिंग करना है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा जाएगा, इसलिए मैं फटाफट दिखाऊँगा, आप लोग ध्यान से देख लेना। उसके बाद ये वीडियो का मैं एंडिंग बताऊंगा कि किस तरीके से आपको क्या क्या सेटिंग्स करने हैं, आपके व्यू कैसे आएंगे आपके चैनल पे, कितने भी व्यूवर्स आते होंगे, आपको व्यू नहीं करते होंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना, मैं आपको वो भी तरीका बताऊंगा। तो गाइस चलिए मैं चलता हूँ, अभी लास्ट 21 आवर्स पहले चलता हूँ, ठीक है। तो ये देखो, ये मैंने ऑन किया, इसको ओपन किया, और ये मैं चला जाता हूँ वीडियो में, इसके वीडियो पर मैंने क्लिक किया। अब देखिए इसका सेटिंग में मैंने जो सेटिंग किया है उसकी वजह से मुझे ये मिला है, अदरवाइज मुझे नहीं मिलता। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 5 फरवरी को ये वीडियो डाला था और अभी मेरा 864 व्यूज़ हो चुका है। ओके, ये एक हो गया। अब इस पर बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए हैं, लोगों ने बहुत कमेंट्स किया है, फैबुलस, अमेजिंग अमेजिंग, बहुत सारा अच्छा अच्छा इन्होंने कमेंट दिया है। मेरा वीडियो लोगों को पसंद आ रहा है, मुझे भी बहुत खुशी है। मैं कोशिश करूंगा कि और जितने भी हिडन्स हैं उसको ले करके मैं बाहर आऊं, और मैं आपको दूसरा दिखाता हूं, एक एग्जांपल और दिखाऊंगा, उसके बाद फिर मैं सीधे मुद्दे पे आऊंगा कि आपको क्या क्या सेटिंग्स करने पड़ेंगे। अब चलो ये मैं आ जाता हूं इस पे, ये 3 डेज पहले का हो गया। अब चलो मैं 2 दिन पहले वाले पर आ जाता हूँ एक बार, इस पर भी मैंने सेटिंग्स किए थे, जिस पर अभी मेरा जो व्यूवर है 1028 का व्यूवर इस पर है मेरा। एवरेज व्यू ड्यूरेशन 1.34 का ड्यूरेशन है, ठीक है। इस पर भी लोगों का कमेंट्स बहुत अच्छा है। अब मैं दिखाता हूँ जिस वीडियो में मैंने सेटिंग नहीं किया था उस पर मेरा वीडियो कितना पुराना है और उस पर मेरे व्यूज़ कितने आए हैं। आप भी देखेंगे तो आप भी देख करके चौंक जाएंगे कि इस तरीके से भी सेटिंग करने पे ये काम होता है क्या। तो वो चीज़ मैं आपको दिखाऊँगा और बताऊँगा, आप खुद से सेटिंग करना। चलो जी देखिए, ये एक यहाँ पर नीचे में दिख रहा होगा आपको, सर्विस सेंटर बुलाती है मगर जाने का नहीं। मैं एक्चुअली ऑटोमोबाइल के बारे में भी बताता हूँ, ऑटोमोबाइल के बारे में भी सारा हिडन जो भी इन द ग्राउंड क्या होता है, फ्लोर पे क्या होता है, उस पर वो सारा चीज़ें बताता हूँ, खैर वो बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए ये 5 डेज एगो है, इस पर व्यूज़ कितने हैं 60, इस पर मैंने कोई सेटिंग नहीं डाला था।
ये 7 days ago है, इस पे व्यू कितना है 28, इस पे भी सेटिंग मैंने नहीं डाला था। इन सब पे नीचे में मैंने कोई सेटिंग नहीं डाला है, जिसकी वजह से मेरा व्यू इतना पुराना डे होने के बावजूद भी मेरे वीडियोस पे व्यू नहीं आ पाया। चलिए, अब अगर आपको वीडियो पे यूट्यूब पे एनालिटिक्स देखना आता है तो बहुत बढ़िया है, अगर आप नहीं देखना जानते हैं तो इसको सीख लीजिए, क्योंकि ग्रो होने में ये आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करता है ग्रो होने में। तो मैं आपको एनालिटिक्स व्यू दिखाता हूँ। पहले देखिए ये व्यू ग्राफ मेरा सडन, पहले कितना नीचे नीचे ग्राफ था और अभी देखिए सडन मेरा ग्राफ कितना ऊपर लेवल पे चला गया, सीधा हाई पे चला गया है। वॉच टाइम जो मेरा हो गया अभी 66 हो गया, 3 दिन पहले मेरा जो वॉच टाइम था वो मात्र 20 घंटे का था और अभी 66 हो गया मेरा वॉच आवर, तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए प्लस 46, 1043% मेरा सब्सक्राइबर वो बढ़ा है, बस सिर्फ मैंने जो सेटिंग किया था सिर्फ उसकी वजह से। इंप्रेशन भी मेरा बहुत अच्छा जा रहा है, 4000 लोगों के पास मेरा वीडियोस जा रहा है, जो लोग जाते हैं देख रहे हैं लोग, व्यू 2500 टोटल मेरा व्यू हो गया है। 2 दिन पहले मेरा व्यू लगभग 700 के आसपास के पास में मेरा व्यूज़ था। तो अब यूके यूनिक व्यूवर जो मेरे को मिला है 182 का यूनिक व्यूअर मिला है। तो गाइस चलिए मैं ज़्यादा टाइम लॉस ना करके, चूँकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा चला जाएगा, तो ज़्यादा टाइम लॉस ना करके मैं आपको फटाफट बताता हूँ, 2-3 पॉइंट्स बताऊंगा, उस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना कि मैंने आपको क्या बताया है जिसकी वजह से आपका वीडियो वायरल नहीं हो पाता है। अगर वीडियो अगर वायरल होता भी है, वीडियो अगर आपके आता भी है अगर वीडियो आपका, तो आपके वीडियो को लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को यहाँ तक कि वीडियो को देखते नहीं है। तो गाइस उसका सबसे बड़ा जो इशू आता है ना, सबसे बड़ा इशू आता है वो आता है अगर आपने अपने वीडियो पे, अगर आपने वीडियो पे अपना थंबनेल नहीं लगाया है, अगर आपने अपने वीडियो पे थंबनेल नहीं लगाया है, जिसकी वजह से आपके वीडियो को लोग व्यू नहीं करते हैं, क्लिक नहीं करते हैं, क्योंकि थंबनेल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपने वीडियो में थंबनेल नहीं लगाएंगे तो आपके वीडियो पे कोई भी क्लिक नहीं करेगा, आपके थंबनेल से ही पता चल जाता है कि आपके वीडियो के अंदर में मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। अगर आप खुद का मान लो अगर किसी का वीडियोस देखते होगे तो उसमें आप सबसे पहले ऊपर में थंबनेल में ही पढ़ लेते हो, पूरा इंट्रोडक्शन उसमें लिखा रहता है कि इस थंबनेल में क्या लिखा हुआ है और उसके उसके अंदर वीडियो में क्या मिलेगा। तो ये थंबनेल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने माइंड में बैठा लो, थंबनेल जरूर से जरूर बनाओ। थंबनेल के लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो दे के रखा है, उस वीडियो पे आप देख करके प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप थंबनेल आप बना सकते हो, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको बनाने में थंबनेल। चलिए अब सेकंड हो जाता है, सेकंड होता है जो हम लोग अपना चैनल का नाम रखते हैं ना, चैनल का नाम वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपने अपने चैनल का क्या नाम रखा है। अगर नाम उल्टा फुल्टा अगर आप रख लेंगे तो अगर आप बताते कुछ और है अपने चैनल के बारे में और अपने चैनल का नाम कुछ और रख लिया है, उसकी वजह से भी लोग उस चैनल पर जाने पर डर जाते हैं, क्लिक नहीं करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि पता नहीं हो सकता एक वीडियो ऐसा होगा और बाकी अगर इनका वीडियो देखूंगा तो पता नहीं क्या होगा, उस पर आपको लोग सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे। अगर इन कर भी जाते हैं तो देखेंगे देख के बाहर आ जाएंगे, क्योंकि उनके दिमाग में ये होगा कि पता नहीं अब इसके अंदर कौन सा वीडियो होगा, तो सब्सक्राइब करके अपना टाइम लॉस ना करें वो आगे निकल जाते हैं। ठीक है, ये हो गया दूसरा। तीसरे पे आ जाइए, तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा, चूँकि इस पूरा का पूरा खेल जो होता है ना यूट्यूब पे, पूरा का पूरा खेल इसी पे होता है। आप मिस्टेक क्या करते हैं जिसकी वजह से आपके जितने व्यूवर्स हैं उस व्यूवर को कोई और लेके चला जाता है, कोई और लेके चला जाता है, और लेके कौन जाता है, जिसने आपको ये वाला टोपी पहनाया है ना, ये वाला जो आपको जिसने टोपी पहनाया है वो लेकर के चला जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ, आपको वो चीज़ दिखा देता हूँ, वो चीज़ बता देता हूँ कि आपको वो मिस्टेक नहीं करना है जो कि सारे यूट्यूबर्स करते थे, मैं खुद करता था। आपके जितने भी व्यूवर्स हैं आप खुद अपने पास रखो, अपने व्यूवर्स को किसी दूसरे को मत दो। तो उसमें अब आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं आपको अब वो दिखा देता हूँ कि उसमें अब आपको क्या करना पड़ेगा। तो चलो जी, मेरा मोबाइल स्क्रीन मैं अभी ऑन कर देता हूँ और मैं चलता हूँ सीधा गूगल क्रोम पे। अभी जैसे आप लोगों को ये बताया गया होगा, कई लोगों ने आपको ये बताया होगा कि अगर आपको किसी ने वीडियो का टाइटल डालना है तो वो टाइटल जो है आप अपने यूट्यूब से ले लो। फॉर एग्जांपल अगर आपने लिखा है, दिया है हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल, तो उसको आप टाइटल में डालो और सर्च करो। जब आप वो सर्च करोगे ना तो पता है क्या होगा,
वो टाइटल वही टाइटल आएगा जो ऑलरेडी पहले वाले ने दिया, और आपसे ज़्यादा जिनका चैनल ग्रो है ऑलरेडी वो यूट्यूब पे फैला हुआ है, तो उनका जो वीडियो है ना वो वीडियो पहले आ जाएगा। अगर आप उनका टाइटल उठा के डाल लेते हो तो लोग सबसे पहले उसका वीडियो क्लिक कर देंगे, ना कि आपका करेंगे। तो ये बात समझ में आ गई ना कि कैसे आपके व्यूवर्स को कोई और लेके चला जाता है। तो उससे बचने का बहुत सिंपल तरीका, बहुत अच्छा तरीका है, ये तरीका को आप नोट कर लो, देख लो, समझ लो। YouTube से टाइटल टैग्स, टाइटल टैग एंड डिस्क्रिप्शन ना लें तो फिर कहाँ से आखिर लें जो आपका वीडियो तुरंत वायरल होता होगा। तो उसके लिए चलेंगे हम लोग वापस से अपने मोबाइल स्क्रीन पे, मैं आपको वहाँ दिखाऊंगा कि आपको टैग, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन के लिए आपको कहाँ से लेना है। तो वापस से चलते हैं हम लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पे। तो चलिए, ये आ गया मेरा मोबाइल स्क्रीन आप लोगों के पास में। तो ये चलिए, हमारा ये टाइमिंग स्टार्ट हो गया। नाउ क्या करते हैं हम लोग, सीधा चले जाते हैं अपने क्रोम में, गूगल क्रोम में हम लोग चले गए। वहाँ जाने के बाद आपको सिंपली जो है ना क्या करना है कि टाइप कर लेना है, मैंने टाइप कर दिया है ऑलरेडी, चूंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने टाइप कर दिया इसको, हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल। जब आप ये टाइप कर लेंगे तो फिर क्या होता है कि फिर आप स्क्रॉल करके नीचे आइए, नीचे जाइए, नीचे जाइए। स्क्रॉल करके जब आप नीचे आते हैं ना तो देखिए यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ है, दिख पा रहा होगा कि इसमें लिखा है पीपुल आस्क ऑल्सो, तो गूगल से, ठीक है, कई लोग इस तरीके से टाइप कर रहे हैं, कई लोग ऐसे ऐसे टाइप कर रहे हैं कि हाउ टू ग्रो माई यूट्यूब चैनल। ऐसा नहीं कि सिर्फ यूट्यूब पे ही लोग सर्च करते हैं, आपके गूगल क्रोम में भी जा करके, क्रोम में गूगल पे जा करके भी लोग ट्राई करते हैं, जिस पे जो आता है वो क्या क्या आता है। एक बार छोटा मोटा ये मैं दिखा देता हूँ, हाउ कैन आई ग्रो माई यूट्यूब चैनल वेरी फास्ट, ठीक है, हाउ टू गेट 1000 सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब, हाउ डू आई ग्रो माई यूट्यूब चैनल 2020, 2020 लिखा है तो उसको 2000 आप 22 पे सर्च कर सकते हो। तो देखो इस तरीके से यहाँ पे लोगों ने पूछा है, तो आपको सिंपली क्या करना है, एक किसी को आप ओपन कर लो, ठीक है, ये ओपन करके देखो यहाँ पे आपका ये आ गया अपना, इसको सिंपली आपको कॉपी कर लेना है, ये आपने कॉपी कर लिया। चलो जी, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। क्या करेंगे, इसको इस पोर्शन वाले को कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद इसको हम लोग अपने टैग में डाल देंगे, ठीक है, ये वाला फर्स्ट वाला जो है कॉपी करेंगे, टैग में डाल देंगे। उसके बाद फिर सेकंड वाला खोलेंगे, सेकंड वाले को भी सेम करना है, सेकंड वाले को भी सेम पे आप इस तरीके से कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद इसको क्या करोगे, आप डिस्क्रिप्शन में डाल देना, ठीक है, ये हो गया। अब टाइटल में आपका हो गया, डिस्क्रिप्शन में हो गया, आप टैग में क्या डालोगे आप, वो भी बहुत बड़ा मैटर है, क्योंकि आपका वीडियो तभी दूसरे वीडियोस के साथ शेयर होगा, दूसरे वीडियो में जाएगा, आपका यूट्यूब तभी प्रमोट करेगा जब आपका टैग सही रहेगा। तो क्या करना है, आपने जो टाइटल में दिया है, जो डिस्क्रिप्शन में दिया है, और बाकी जो ये नीचे बचा हुआ है, ठीक है ना, ये जितने बाकी नीचे बचा हुआ है ये सारा, इस सारे को उठा करके आप एक एक करके उठाओ, कॉपी पेस्ट करो, अपने टैग में जा करके उसको पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद बस इतना काम खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर आप सेव कर दो, जिस तरीके से अपलोड करते हो यूट्यूब पे, प्रॉपर तरीके से अपलोड करने के लिए ऑलरेडी एक वीडियो मैंने दे रखा है, आप उसमें चले जाइएगा, देख लीजिएगा, बहुत एक एक स्टेप बाय बाय स्टेप में समझाया हुआ कि किस तरीके से आपको करना है। तो गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो आपको बताया है, जो समझाया है, वो चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको क्या दिखाया, क्या बताया, क्या समझाया। तो गाइज, थैंक यू सो मच। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आया हो, मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरीके की वीडियो लेके आता हूँ।